नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको एडवांस योगा पोजेस डे 3 में भूनमन आसन को वेरिएशन के साथ कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और इससे क्या क्या हेल्थ बेनिफिट होते हैं यह बताएंगे। दोस्तों भूनमन आसन स्पोर्ट्स के लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी है। यह उन लोगों के घुटनों हैमस्ट्रिंग को मजबूती प्रदान कर शरीर को स्वस्थ बनाता है, जो हमारे संपूर्ण शरीर की फिटनेस कराता है। इसके अलावा हमें इसे अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। यह इस अभ्यास को करने से हमारा सीना चौड़ा होता है, हमारे सीने की मांसपेशियां काफी मजबूत बनती हैं और हमारे डाइजेशन से जुड़े विकारों को भी दूर करने वाला एक बेस्ट अभ्यास है। दोस्तों भूनमन आसन की फर्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही स्टार पोज में ऐसे बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। दोस्तों यह इस अभ्यास को करने से हमारी कमर की मांसपेशियां मजबूत बनती है और जिन लोगों को अक्सर कमर दर्द की समस्या होती है उनके लिए भी यह एक बेस्ट अभ्यास है। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने राइट साइड ऐसे रख लेते हैं, ऐसे राइट साइड ऐसे दोनों हाथों को रख लेते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हैं और इसके बाद लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही भूनमन आसन की पोजीशन पर रहें। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके हिप्स जमीन को स्पर्श कर रहे हों, आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ चतने हुए हों। इस अभ्यास को करने से हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारे संपूर्ण शरीर पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है और इसे करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन उत्तेजित होते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को फिर दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही स्टार पोज में आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने लेफ्ट साइड ऐसे रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने माथे को या फिर अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। जितना आप कर सकते हैं उतना ही प्रैक्टिस करें। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही से 4 से 5 बार लेफ्ट राइट साइड से प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों भूनमन आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही स्टार पोज में ऐसे बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं, अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और फिर आपने अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं, अपनी ठोड़ी को अपने छाती को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लेते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग या फिर श्वास को रोक कर रखें और फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही से अप डाउन करते हुए 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप इसे ऐसे ही 10 सेकंड मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप इसे 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक होल्ड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराते हैं, आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे तने हुए हों और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद इसके नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे फैला लेते हैं, दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और इसके बाद ऐसे श्वास छोड़ते हुए अपनी दोनों कोहनियों को, अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श करते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं एक आरामदायक अवधि के लिए। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। और फिर ऐसे सीधे
दोस्तों इस अभ्यास को करने से हमारे सीने की मांसपेशियां काफी स्ट्रांग बनती हैं और यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर की फिटनेस के लिए एक लाभकारी अभ्यास है। इसके बाद इसे हम ट्विस्टिंग के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे फैलाकर बैठ जाते हैं, अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और आगे की तरफ ऐसे पंजा तना हुआ हो। इसके बाद आपने अपने एक हाथ से अपने लेफ्ट हाथ से ऐसे अपने राइट पैर को पंजे को ऐसे पकड़ टखने को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने दूसरे हाथ को ऐसे अपने राइट हाथ को ऐसे अपने सिर के पीछे से ले जाते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं, ऐसे सीधे देखते हैं, 10 सेकंड होल्ड करके रखें। फिर ऐसे सीधे ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपने पैर को घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने एक हाथ से ऐसे अपने अपोजिट पैर को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने एक बाजू को ऐसे अपने कान के पास हटाते हुए ऐसे अपने सिर अपने दूसरे पैर के पंजे को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ आपने देखना है। दोस्तों यह ट्विस्टिंग का एक बेस्ट अभ्यास है। इसे करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन उत्तेजित होते हैं। फिर ऐसे सीधे ऐसे ही इसे लेफ्ट राइट साइड से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए ऐसे ही आपने अपने दोनों पैरों को फैलाकर ऐसे बैठ जाते हैं, दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं, अपनी कोहनियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को अपनी छाती को ऐसे जमीन पर स्पर्श करते हैं और आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे पंजे तने हुए हों। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस भू नमन आसन की पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं।